मेजरमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मेजरमेंट से आज़ादा होगा होगा कि मेजरमेंट का मतलब क्या है, मेजर करना, माइज करना। अब एरर, एरर का मतलब हमने एरर निकालने, जो हमने मेजरमेंट की गई है, हमने जो माइज की है उसमें क्या एरर आ रहा है, कैसे पता चलेगा उसका तरीकाकार बेटा जी होगा कि हम लेंगे डिफरेंस लेंगे। कैसे डिफरेंस लेंगे? जो हमने वैल्यू मेजर की है और जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों को जो आपस में डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या बताएगा, मेजरमेंट एरर बताएगा। ठीक है जी, जैसे कि इसके एग्जांपल देते हैं। अच्छा, पढ़ रहे थे डिफरेंस, मेजरमेंट एरर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट एरर। ये अब मेजर्ड वैल्यू क्या होती है और ट्रू वैल्यू क्या होती है, इसका डिफरेंस बता दूँ आपको क्या होता है। मेजर्ड वैल्यू जो होती है हम जो कमाइश करते हैं, और ट्रू वैल्यू जो होती है जो एक्चुअल उस चीज़ की कमाइश होगी। इस तरह किसी की अगर हम हाइट मेजर करें तो जो हाइट उसकी एक्चुअल है, अगर किसी आदमी की हाइट है 5 फीट 5 इंच है, तो उसकी जब हाइट मेजर करते वक्त हम एरर करते हैं, 5.5 की बजाय 5.3 लिख देते हैं, तो वो उसका और जो मेजरमेंट वैल्यू है वो 5.3 थी, और जो एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू जो थी वो कौन सी थी, हमारी 5.5 थी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या होगा, मेजरमेंट एरर होगी। क्लियर बेटा? अब आगे नेक्स्ट है जी हमारी रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है कि एकदम से अचानक से कोई जो एरर होती है उसे हम कहते हैं कि रैंडम एरर। जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हवाले जैसे यहाँ पर लिखी हुई है उसके मुताबिक आपको समझाना चाहूँ। अगर देखें एक बंदा बाइक पे जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है और मेन रोड के ऊपर हाईवे के ऊपर एकदम से पीछे से वो जो आदमी अपने साइकिल पे या बाइक पे जा रहा था तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, वो फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब जैसे ही वो मेन रोड पे चल रहा है तो पीछे से गाड़ी हॉर्न गाड़ी आती है, वो हॉर्न बजाती है, एकदम से वो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी उसकी या स्पीड बढ़ जाएगी या वो एक साइड पे जाके गिर जाएगा या कम हो जाएगी। अब एकदम से जो चेंजिंग आई है वो क्या थी, रैंडम एरर थी। अब ये इसी को मैं इस लंबी थोड़ी डेफिनेशन इसके लिए नहीं करवाना चाहूँगा, सिंपल डेफिनेशन आपको याद करवाऊंगा। क्या चीज़ है जी, ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, रैंडम एरर होता है, और रैंडम एरर को हम ई आई से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? और सिंपल थी डेफिनेशन ये, अगर ये किसी को अगर बेटा ना समझ आई डेफिनेशन तो बताए अभी, क्वेश्चन किसी का है तो। क्लियर? अच्छा आगे इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि पहले अगर हम नमाज पढ़ने के लिए इरादा किया है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने लगे हैं, तो हमारे माइंड में सिर्फ नमाज थी और कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ कोई बात नहीं थी कि हमने क्या करना नमाज के बाद। लेकिन जैसे ही हमने वजू किया, मसल्ले पे खड़े हुए, तो जाकर बात जहन में ना हो तो हम नॉर्मल रूटीन में नमाज पढ़नी थी, सली से नमाज पढ़नी थी। अगर जैसे ही अगर हमारे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आया कि एक क्या कहते हैं कि हमें किसी दोस्त से बात करनी थी या दोस्त से मिलना था, मिलने जाना था, टाइम मिला बनाया था, किसी मीटिंग करनी थी, जब वो चीज़ माइंड में आएगी उस टाइम पे, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो होगा, आपकी नमाज की स्पीड जो होगी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। क्योंकि ये आज की रूटीन में यही चीज़ें हैं अक्सर मोस्टली, अगर कोई और भी हो तो हम काम करें तो वो भी ऐसी ऐसी होती है चीज़ें कि जो ऑब्जर्वर वैल्यू होती है वो हमारी वो होती है जो हम टाइम भी करते हैं, जो ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। ट्रू वैल्यू जो होती है हमारी पहले जो मैंने डिसाइड की होती है जिस तरह से हमने चलना होता है। ये थी हमारी रैंडम एरर। और डिफाइंड बायस्ड एरर क्या होती है ये भी उसने यहाँ पे बताया हुआ। बायस्ड एरर क्या चीज़ है हमारी, बायस्ड एरर हमारी है जी क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड ट्रू वैल्यू इज नाउन एज एरर। इसे हम एरर कहते हैं। एरर ऑब्जर्व एरर और ट्रू एरर के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारी क्या है, बायस्ड एरर है। इफ ऑब्जर्व वैल्यू इज कंसिस्टेंटली हायर और लेस देन ट्रू वैल्यू, देन एरर इज नाउन एज बायस एरर। उसके बाद आती है जी हमारी नया, ये जो तीन क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो थे पीछे, हमने पिछले जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में था, ये वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे कि नाम से जाहिर है प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, हमने शो करना है, जाहिर करना है, ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन डाटा होता है। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं डाटा को, इसकी डेफिनेशन पहले देख रहे हैं। डिफाइन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इट्स डिफरेंट मेथड्स कह रहा है जी। आगे है जी दी रॉ डाटा एंड रॉ डाटा अरेंज एंड रिड्यूस्ड इनटू ए फॉर्म, ऐसी फॉर्म में रिड्यूस कर ली जाए
इज इजी टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रॉ डाटा के पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी। रॉ डाटा वो डाटा होता है जो हम जो बेसिकली कलेक्ट करते हैं डाटा, जैसे किसी क्या कहते हैं कि अगर हम हमारे, मैंने एक एग्जांपल दी थी क्लास की कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हो, उन सब के मार्क्स अगर हम लें और मार्क्स जैसे पूछते जाएं और वैसे वैसे लिखते जाएं जैसे जैसे पूछ रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग कोई तब्दीली ना करें, वो डाटा जो होता है हमारा रॉ डाटा होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब उस रॉ डाटा को हमने क्या करना, अरेंज करना है और रिड्यूस करना है ऐसी फॉर्म में जिसे हमें समझना और एनालाइज करना क्या हो जाए, इंटरप्रेट करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। आगे है जी हमारे पास, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को मेथड है, कितने कौन से मेथड है जिसके जरिए हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। चार मेथड है जी, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, ग्राफ्स है एंड डायग्राम्स एंड चार्ट्स है। आगे आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है कौन कौन से हैं जी। एक तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है क्लास बना देना। जैसे आपको पता होगा कि किसी कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, जब उनकी क्लास बनाएंगे तो उनको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे हर सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कि अगर हमारे पास बीएस जूलॉजी, बीएस केमिस्ट्री और एमएससी जूलॉजी और एमएससी जूलॉजी होगी, एमएससी केमिस्ट्री होगी, चार जो सब्जेक्ट है इनके पहले क्या होंगे फॉर्म, जो डाटा जो होगा हम इकट्ठा रखते जाएंगे। जैसे इनकी क्लासेज बनाएंगे तो उनका क्या करेंगे, बीएस केमिस्ट्री अलग कर देंगे, बीएस जूलॉजी की अलग कर देंगे, एमएससी जूलॉजी की अलग कर देंगे और एमएससी केमिस्ट्री की भी क्या करेंगे हम अलग कर देंगे। ये क्या बन जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ये था क्लास बनाना। अब ये थी सिंपल। अब आगे डेफिनेशन के अंदर क्या बता रहा है, ये प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा, ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम या प्रोसेस या अमल जिसके जरिए क्या किया जाए कि डाटा और ऑब्जेक्ट को क्लासेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये भी यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, ये प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा और ऑब्जेक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या लिखे, काटने बेशक इन टू क्लासेज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए क्या करेगा, जो सबकी खसूसियात क्या हैं, मुश्तरक हैं, सेम है, उनका क्या किया जाए, एक सेपरेट क्लास में इकट्ठा कर दिया जाए, वो क्या बन जाती है, हमारी क्लास बन जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सॉर्टिंग द लेटर एट ए पोस्ट ऑफिस, ये क्या किया जाता है कि डाकखाने के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या किया जाए, लेटर जो होते हैं एरिया वाइज, इलाका वाइज क्या कर दिए जाए, कर दिए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ कर दिए जाते हैं। वो कैसे करते हैं कि टाउन वाइज अलग अलग कर देते हैं, एरिया वाइज अलग अलग कर देते हैं। तो ये थे इस क्लासिफिकेशन थी। बेटा इसमें अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो क्लासिफिकेशन का, पूछना चाहिए तो पूछ। चलिए जी आगे, आगे हमारे है जी डेफिनेशन, टेबुलेशन है। टेबुलेशन कैसे, जाहिर है कि टेबल से, तो टेबल से नाम निकला है टेबुलेशन। क्या किया जाएगा, हम क्या करेंगे, टेबल बनानेंगे। टेबल कैसे बनेगा कि सेट ऑफ रोज और कॉलम, रोज और कॉलम का जो सेट होगा हमारा क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। और अगर हम डाटा उस रोज और कॉलम के अंदर क्या करेंगे, डाटा को अरेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टेबुलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अगर इन डेफिनेशन में अगर बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई परेशानी है तो पूछना चाहे तो बेटा पूछ सकते हो। चले ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम आगे है जी। इसका वो बता रहा है कि हमारे पास अगली डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद हमारा क्या है क्लासिफिकेशन करने का, वो पूछ रहा है जी। वो क्या है जी मकसद, हमारे दो ही मकसद है इसके। एक तो टू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ डाटा इन शॉर्ट टाइम, एक थोड़े वक्त में हम क्या करें, डाटा की क्लियर पिक्चर हासिल कर लें, हमें सब कुछ समझ आ जाए, हमारा सारा कुछ उसका डाटा का सारी चीज़ें हमारे समझ सामने आ जाएं थोड़े से वक्त में, एक ये मकसद होता है। दूसरा मकसद क्या होता है, टू रिड्यूस डाटा इन टू सिंपल फॉर्म टू मेक इट्स एनालाइज ईजी, कि क्या कर दिया जाए, डाटा को रिड्यूस कर लिया जाए, शॉर्ट कर लिया जाए, छोटा कर लिया जाए, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जिसे हम क्या करें, जिसके बाद उसमें एनालाइज कर सकें डाटा को आसानी से। ये दो ही मकसद थे क्लासिफिकेशन के बेटा। ये जहाँ तक तो डेफिनेशन थी इम्पोर्टेंट, अगली बात से वो डेफिनेशन याद करना चाहे तो पता होना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए पेपर के पार्ट ऑफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या जी कहता है, फोर फेसेस बताने हैं हमने, फेसेस या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन कौन से हैं जी। एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वालिटेटिव और क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन थी कि क्वालिटी और डाटा, क्वालिटी के हिसाब से हम क्या कहते हैं
करेंगे क्वालिटी के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे उसे कहेंगे क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे। अब यहाँ पे वो कहता कि क्वालिटी के हिसाब से डाटा को करना है तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगी। क्वालिटी के हिसाब से कैसे कि हम क्या करें, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम फर्स्ट ईयर की क्लास बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 950 से अबव होंगे या 1000 प्लस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एक क्लास में रख देंगे तो वो क्वालिटेटिव डाटा हो जाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, जिनके क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है कि हाई क्वालिटी जिनके अंदर खुशियात क्या हो, सेम हो, समझने के बाद। इसी तरह अगर वो क्वालिटेटिव की बात करें मकदार के हिसाब से, मकदार के हिसाब से कैसे होगा कि अगर हम जैसे मार्ट किसी मार्ट पर जाते हैं सामान लेने के लिए, घर का सौदा सब लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ देखते होंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें होंगी पड़ी होंगी मकदार के हिसाब से रखी होंगी, जैसे कि एक एक शेल्फ है उसके अंदर 5 kg के चीनी के पैकेट रखे होंगे, एक शेल्फ ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ 2 kg के रखे होंगे, एक ऐसी होगी जिसमें 1 kg के रखे होंगे, यानी कि उन्होंने उस हिसाब से इसको अरेंज किया होगा। ये था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बेटा इनमें दोनों में अगर किसी का क्यूज क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। ओके जी, क्लियर। आगे है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो क्या कहते हैं कि जियोग्राफी के जियोग्राफिकली डाटा को खित्ते के हिसाब से, जमीन के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के नक्शे को देखें, दुनिया के नक्शे के ऊपर भी हर सब कंट्रीज को क्या कर दिया गया, अलग अलग किया हुआ, सबकी एक लाइन बनाई हुई है, बॉर्डर बना हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ आ जाए, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है, पाकिस्तान को भी 4-5 सूबों के अंदर डिवाइड किया गया, उनको भी क्या कर दिया गया, लाइनिंग कर दी गई है। ये था जमीनी लिहाज से क्लासिफिकेशन कर देना। उसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल डाटा भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, डाटा अरेंज बाय टाइम अकरेंस, कि डाटा को हम टाइम के हिसाब से अरेंज कर दें जिसमें टाइम लिमिट हो। जैसे कि अगर हम मॉर्निंग में टेम्परेचर, एक दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, हम सुबह 8 बजे टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर 10 बजे दिन का, और उसी तरह अगर हम 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम का टेम्परेचर मिल जाएगा एक दिन का। ये था टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसी तरह अगर हम क्या करें कि अगर किसी पेशेंट का, मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करना चाह रहे हैं, कि रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो भी क्या होगा, हम दो एक एक दो दो घंटे का पक्का रख के उनका क्या कर लेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रख लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बन जाएगा बेटा। ठीक है जी बेटा, इसमें अगर इनमें जितना हमने आज वाला पेज जो अभी पढ़ा है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, पूछना चाहे तो बेटा पूछ सकते हो, ताकि फिर अगले नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ चलें। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी इस चीज़ की, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है जी। देखिए डेफिनेशन क्या है उसकी, एग्जांपल टाइम देखा हमने 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, और 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। टेम्परेचर हमने नोट किया 20 डिग्री और 22 डिग्री, 26, 29 और 36। ये था किस चीज़ का कि हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन की ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी डेफिनेशंस हैं दो, ये डेफिनेशन भी समझ लें, आगे जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसमें भी हमें इसी चीज़ की समझ होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता हो कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। अब देखिए अनग्रुप डाटा हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी किस चीज़ की, जी प्राइमरी डाटा की, और हमने प्राइमरी डाटा को ही कहा था कि वो अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा क्या चीज़, डेफिनेशन है जी अनग्रुप डाटा की, इनिशियली कलेक्टेड डाटा इन इट्स फर्स्ट क्रिएटिव फॉर्म दैट इज नॉट चेंज इन टू एनी अदर फॉर्म, के जिसको हम किसी दूसरी फॉर्म में चेंज ना करें वो हमारे क्या होती है जी, अनग्रुप डाटा कहलाता है जी। सिंपल फॉर्म में जैसे हमारे पास मौजूद है वैसे ही लिखा होगा तो हमारा क्या होगा, अनग्रुप डाटा होगा। क्लियर बेटा। अब इसी तरह आगे है जी हमारे पास इस चीज़ की डेफिनेशन है जी ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा की डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन है जी सिंपल फॉर्म है, क्या लिखा होगा, डाटा अरेंज इन टू डिफरेंट क्लासेज, कि हम डाटा को क्या करें इस क्लासेज की फॉर्म में लिख देंगे, कर दें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि क्लास बना के उसको सिंपल फॉर्म में साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा जी, ग्रुप डाटा बन जाएगा। क्लियर बेटा।
डाटा की समझ आई बात, हमारे पास जो डाटा मौजूद होगा जिस तरह ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ 60 इंचेस 55 इंचेस 62 इंचेस एटसेट्रा, ये क्या स्टूडेंट्स की हाइट है जो हमने मेजर की थी उसका उसने बताया हुआ है। क्लियर जी। आगे ये सिंपल फॉर्म में वैल्यूज होंगी, जैसे आपको मैंने पहले चैप्टर में डेफिनेशन में बताया था कि एग्जाम्पल दी थी 100 स्टूडेंट्स के डाटा की, वो डाटा जैसे मौजूद होगा वैसे लिखेंगे, वो हमारा डाटा कौन सा होगा, अनकूप डाटा होगा। अब जब उसको हम कन्वर्ट करने के लिए आपको नजर आ रही है फॉर्म ग्रुप डाटा के अंदर वेट और एफ, जब हम क्या करेंगे डाटा को रेंज बना के इस तरह क्लासेज बनेगी, ये वाली जो क्लासेज होंगी हमारे पास 1000 के राउंड बॉर्ड में डाटा होगा तो इसी फॉर्म में 2-4 लाइनों में हमारा डाटा क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा जी, जिसे हम समझ सकते हैं आसानी से, हमें नजर आ रहा है, हम इजीली इसे हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं जी। ग्रुप डाटा की बात समझ आ गई बेटा, किसी को अगर बात ना समझ आई हो तो पूछना चाहे। आगे है जी हमारे पास क्या चीज़ जी, आगे कहता है व्हाट इज, ये बेटा याद रखना अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, जब हमने क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस के अंदर मैंने नहीं बताना कि ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है और ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होगा और ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला होगा। ग्रुप डाटा के अंदर क्या होगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी और अनग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होगी। क्लियर जी। अगर फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी वो डाटा हमारे पास क्या होगा ग्रुप्ड होगा, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होगी तो हमारा क्या होगा डाटा अनग्रुप डाटा होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो अनग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा ग्रुप डाटा होगा। क्लियर जी। अच्छा जी आगे हमारे पास है जी अरे, व्हाट इज एन अरे, अरे क्या होता है, अरे का मतलब होता है डाटा को अरेंज कर लेना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, अरे कर लें, तरतीब दे लें, वो डाटा हमारा क्या होगा अरे कहलाएगा। डाटा अरेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन अरे। अब कहता है कि ये डेफिनेशन अरे का मतलब समझ आ गया बेटा, अरेंज करना है अरे या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे कहते हैं अरे। आगे है जी हमारे पास कहता फाइंड राइट मेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे पास ग्रुप डाटा जो था उसको हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है, क्लासेज बनानी है, वो क्लासेज बनाने का जो प्रोसीजर है जो मेथड है वो हमने बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसको हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अनुग्रुप डाटा ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है जी पहला स्टेप क्या है, नंबर वन फाइंड रेंज ऑफ गिवन डाटा, जो हमारे पास डाटा मौजूद होगा उसके हम क्या करेंगे रेंज फाइंड करेंगे। जी लाएगा सर इन्होंने लिखा हुआ है कि डेटा रेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो ये इसके बारे में आपने नहीं बताया मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड बेटा मिकदार, मिकदार होती है ना, मिकदार ही होती है ना, मिकदार हिसाब से होती है, जैसे कि एक जो वैल्यू होती है 2 है 5 है 10 है। अब देखें 2 जो है उसकी और 5 में डिफरेंस है कि नहीं है, आपकी घी लेने जा रहे हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, फर्क नजर आ रहा है ना 2 और 5 का, ठीक है ना। ये वही चीज है कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वो वैल्यू होती है, 2 की मिकदार या 2 की जो अहमियत है वो कम है, 5 की अहमियत क्या ज्यादा है, समझ आ गई बात, मतलब उसकी जो क्वांटिटी में डिफरेंस है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। हाँ जी हाँ जी, जिस तरह हम वैल्यूज लिखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स ही ले लें आप, सिंपल मिसाल मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देता हूँ ताकि वो समझ जल्दी आ जाती है। जैसे कहते हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स है 250 है, 1 के 255 है, 1 के 350 है, 1 के 360 है। अब इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें जो असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने छोटी से बड़ी की तरफ लिखना है, ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब छोटी से जब बड़ी की तरफ लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये मैग्नीट्यूड बनती जाएगी उसकी तरतीब के हिसाब से, ठीक है जी, क्लियर बात। हाँ जी बेटा ओके नेक्स्ट। यस सर। चलें जी आगे है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने, कि वो कौन से प्रोसीजर है, कौन सा मेथड है, वो मेथड बताए हुए 4 मेथड है कौन कौन से, एक तो रेंज फाइंड करना और दूसरे सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारे पास डाटा मौजूद होगा वो डाटा वही है जो बेटा हमने क्या कहते हैं कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स के मार्क्स। जी लगा कुछ नहीं सर, वो पहले से ही हैंड रेज है। अच्छा अच्छा चले ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कहता है कि जैसे मैंने अभी फिर दोबारा वो मिसाल कोई स्टूडेंट्स वाली दूंगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं उनका जो दिया होगा हम क्या करेंगे सबसे रेंज निकालने की, रेंज कैसे निकलेगी, रेंज का फार्मूला तरीका वो आप अपने पेज पे लिख लें। रेंज का फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, ये रेंज निकलेगी। रेंज का फार्मूला है रेंज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट एक्स जीरो। एक्स नॉट का मतलब क्या है, एक्स जीरो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू एक्स नॉट, और एक्स एम का मतलब क्या है सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू। क्लियर बेटा जी।
उसके बाद है जी डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, कि हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है। वो बाज दफा बुक के अंदर कुछ चीजें मौजूद होती हैं, नंबर ऑफ क्लासेस बताई होती हैं या क्लास इंटरवल दिया होता है, जिससे हम क्या करेंगे इजीली क्या फाइंड कर लेंगे उसकी नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला भी जरूरत पड़ी तो मैं आपको वो भी लिखवा दूंगा। पहली बात जरूरत कम पड़ती है, डाटा हमें सिंपल दिया होता है जिसमें हमें इजीली क्लासेस बना लेते हैं। अगर हुआ जरूरत तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको फार्मूला भी लिखवा दूंगा। उसके बाद आता है मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल। के क्लास इंटरवल यानी कि क्लास इंटरवल क्या चीज होती है, एच लेना है। जैसे कि आप नीचे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही होगी वेट की, 60 से 64, 65 से 69 वाले एग्जाम्पल नजर आ रही है ना। इस एग्जाम्पल में देखें जो हमने क्लासेज डिफरेंस है 60 और 65 का, अब ये 60 जो है लोअर वैल्यू है और इसी तरह 65 भी लोअर वैल्यू, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की जो 70 है ये लोअर वैल्यू है। ये 64 और 69 और 74 ये क्या है, अपर क्लास वैल्यू, अपर क्लास है। अब लोअर क्लास का और अपर क्लास का अलग अलग डिफरेंस ले लें, 60 और 65 में डिफरेंस देखें 5 का डिफरेंस है, और 65 से 70 में देखें डिफरेंस कितना 5 का है। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर जो क्लास इंटरवल है, क्लास का जो वक्फा है, जो हमारे पास साइज है, मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 5 है। इसे हम कैसे जाहिर करेंगे, एच से जाहिर करेंगे, ठीक है जी। आगे कहते हैं राइट दी क्लास लिमिट, के फिर हम क्या करेंगे क्लास लिमिट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यूज इन इस क्लासेस के अंदर, जो जिस जिस क्लास में वैल्यू आएगी उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे पुट करते जाएंगे। इस तरह हमारी क्या बन जाएगी, क्लासेस हमारी बन जाएंगी। आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं इंशाल्लाह वो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको मजीद उसमें ये डेफिनेशन या ये स्टेप है आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है जी हमारी बस कौन सा के क्वेश्चन है, बता रहा है जी व्हाट इज मीन्ट बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन टू डिफरेंट क्लासेस, ये डाटा को अरेंज कर दिया जाए डिफरेंट क्लासेस में, इज देयर फ्रीक्वेंसी, या उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसे क्या कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट है स्टूडेंट्स का 60 से 64 वाले, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 60 से 64 के दरमियान में होगा वो, और जिनका वेट 65 से 69 के दरमियान होगा वो स्टूडेंट्स, उसके बाद 70 से 74 जो वेट है वेट वाले स्टूडेंट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब इसके 60 और 64 के सामने जो 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 60 से 64 के दरमियान जिनका वेट है, जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं उनको कितने 23 हैं, 65 और 65 और 69 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 65 और 69 के दरमियान है वो कितने हैं, 15 है। इसी तरह 70 और 74 के दरमियान कितने हैं जी, वो 6 है। ये था क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आ जाता है बेटा कि व्हाट इज द रोल ऑफ मिड पॉइंट्स, के रोल मिड पॉइंट का रोल क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है जी, इसे हम एक्स से जाहिर करते हैं। जैसे कि 60 और 64 का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके, याद रखें मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दो पॉइंट्स को आपस में प्लस कर लें और टू पे डिवाइड कर लें। जैसे कि 60 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 124 आएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 62 का आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा जी। इसी तरह आगे 65 और 69 का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, 70 से 74 का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे या मिड पॉइंट कहेंगे। ये था, आगे हम फर्दर यूज होगा तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। कहता है कि मिड पॉइंट की डेफिनेशन इसने लिखी हुई है, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज नोन एज क्लासेस, क्लास मार्क और क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट 64, 65, 60 से 64, 65 से 69, दो क्लासेस दी हुई ऊपर वाली, उन दोनों का मिड पॉइंट निकाला हुआ है वो कितना है, 60 से 64 का मिड पॉइंट 62 है, 65 से 69 का मिड पॉइंट कितना है, 67 है। आगे कहता है कि इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या होगा, ए इट रिप्रेजेंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द क्लास एंड मार्क्स कैलकुलेशन पॉसिबल के व्हिच आर नॉट वर्केबल फ्रॉम क्लास लिमिट, के हम क्या करते हैं इसको यूज करके हम जो भी अपना काम निकालना चाहते हैं, हम कोई मीन निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, जो भी फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट होगा तो हम आगे फर्दर उसकी वो चीजें फाइंड कर सकेंगे, मीन मीडियन मोड, जो भी मीन होगा, मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है, जो हार्मोनिक मीन है, जो हम आगे अवेलेबल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो चीज़ें, अगर हमारे पास एक्स होगा मिड पॉइंट होगा तो हम फाइंड कर पाएंगे, अगर ये एक्स और मिड पॉइंट नहीं होगा तो हम ये मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वगैरह कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका रोल क्या है कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है जी हमारे पास डेफिनेशन क्लास बाउंड्री की, क्लास बाउंड्री क्या होती है और क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट का बेटा इतनी बड़ी लंबी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है,
आप ये सारी याद करने के बजाय ये आपको तीसरी लाइन में नजर आ रहा होगा मोर ओवर दी अपर एंड लोअर, आपने सिर्फ याद करना है दी अपर एंड लोअर, यहाँ से आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी डेफिनेशन बनती है और ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है। ठीक है बेटा जी, ये दी अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ टू कंजक्टिव क्लासेस आर सिमिलर, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है। आगे फॉर एग्जाम्पल 5-10 और 10-15 एटसेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल की जगह। ठीक है जी बेटा, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। आगे है जी हमारे पास क्लास लिमिट की डेफिनेशन है, वो भी इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी इसी तरह आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है। ये अपर तीसरी लाइन में लिखा हुआ ना, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ टू कंजक्टिव क्लासेज आर डिसिमिलर, के अपर और लोअर लिमिट की जो क्लासेज हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि 5-9 है और 9 के बाद क्या है 10-14 है, ये दो क्लासेज उसने दी थी, दोनों का देखें लोअर लिमिट एक है अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है आपस में सेम नहीं है। जैसे कि ये देखें, ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा 5 से, ये वाली चीज़ 5-10 और जिन दोनों के दरमियान, ये 9 के बाद क्या रही अगली क्लास किससे शुरू हो रही है 10 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये दोनों डिफरेंस है, ये इसीलिए क्लास लिमिट इसे कहेंगे। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है जी, कहता है कि लोअर वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट और लार्जर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, यानी कि लोअर वैल्यू जो होगी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो होगी हमारे पास लोअर वैल्यूज होगी, तो राइट साइड पे होंगे हमारे पास क्या होगी अपर क्लास होगी। ठीक है जी, ये था लोअर लिमिट और क्लास लिमिट के कौन क्लास लोअर और क्लास लिमिट का सवाल। आगे है जी हमारे पास व्हाट इज मीन्ट बाय विड्थ ऑफ क्लास, के क्लास विड्थ क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लास विड्थ जो होती है क्लास इंटरवल उनके दरमियान वक्फा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं क्लास विड्थ कहते हैं। जैसे कि 65-69 आपको नीचे वो एग्जाम्पल नजर आ रही होगी, 65-69 दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसका विड्थ जो है तो साइज वो कितना है 4 है। यही बात उसने डेफिनेशन के अंदर बताई है, द साइज और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड विड्थ ऑफ क्लास, देयर क्लास इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। आगे है जी क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन दी हुई है, चारों में से आप एक भी याद करने जो मर्जी आपको आसान लगे, ये सिंपल है, इसे चौथे नंबर पे भी है और तीसरे नंबर पे भी है, डेफिनेशन आसान है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर क्लासेस क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। आगे है जी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिड पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। उसके बाद है जी व्हाट इज ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होती है जी ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इसका स्टार्टिंग में लोअर वैल्यू और लास्ट में एंड वाली क्लास जो होगी अपर वैल्यू जो होगी वो मिस कर दें लिखे ना, लेकिन हमें पता हो उसे कहते हैं ओपन एंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है तो पहली क्लास इसकी फर्स्ट लोअर वैल्यू मौजूद नहीं है, इस तरह लास्ट जो वैल्यू है उसकी अपर वैल्यू मौजूद नहीं है, जिसे कहते हैं ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आगे बेटा ग्राफ्स शुरू हो रहे हैं, चार्ट्स ग्राफ्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम, ये डेफिनेशन लिखनी है। ये डेफिनेशन जो है सिर्फ ग्राफ आपने ग्राफ बनाते होंगे, जो ग्राफ बनाने का प्रोसीजर जो है वही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब हिस्टोग्राम देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंट बार हूज हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज टेकन अलोंग वाई एक्सिस अगेंस्ट क्लास बाउंड्रीज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये देखिए बार बने हुए, कहता कि ये जो बार बने हुए हैं ये क्लास बाउंड्री के ऊपर बने हुए हैं और किसके बराबर बने हुए हैं फ्रीक्वेंसी के, ये वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे फ्रीक्वेंसी रखेंगे और हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे हम क्लास बाउंड्री रखेंगे। इस तरह हमें क्या पता चलेगा कि ये ग्राफ बनेंगे, चार्ट्स बन जाएंगे। ये बनाने का तरीका मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, फिर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है जी, आगे हमारे पास हिस्टोरीग्राम, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हिस्टोग्राम होता है और जो टाइम सीरीज डाटा का ग्राफ जो होता है उसे कहते हैं हिस्टोरीग्राम कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, हिस्टोग्राम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा वो हिस्टोग्राम होगा, जो टाइम सीरीज डाटा का ग्राफ होगा वो क्या होगा हिस्टोरीग्राम होगा। ठीक है जी बेटा, किसी का क्वेश्चन हो तो बता दे ताकि फिर आगे कंटिन्यू करूँ। आगे बेटा व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होती है, स्कैटर्ड जैसे स्कैटर का मतलब आपको पता होगा बिखरा होना, ऐसी डायग्राम जिसके अंदर पॉइंट्स क्या हों बिखरे बिखरे होंगे उसे क्या कहेंगे हम स्कैटर डायग्राम कहेंगे। ये डायग्राम बनती है एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो प्लेन बनेगी उसके अंदर हम डॉट्स लगा देंगे डिफरेंट प्लेस पे,
हमारे पास डायग्राम कौन सी होगी, एक स्कैटर डायग्राम होगी। इस तरह अगर आपको तस्वीर अगर एक तरफ तोड़ के हम एक साइड से पकड़े एक साइड छोड़ दें तो क्या होगा, सारे के सारे दाने क्या हो जाए, बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। इस तरह हम अगर इसी तरह पॉइंट्स क्या करें एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या करें, डॉट्स लगा लें, पॉइंट्स लगा लें, वो हमारे पास क्या होंगे, स्कैटर डायग्राम होंगे। लेकिन वो पॉइंट्स आपस में मिले हुए नहीं होने चाहिए, ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, ऐसी फॉर्म में नहीं होने चाहिए कि अगर हम उनको ज्वाइंट कर लें। इससे इस तरह जो हमें डायग्राम हासिल होगी वो क्या होगी, स्कैटर डायग्राम हासिल होगी। आगे मेरा ये ग्राफ की डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन आपने खुद पढ़ लेनी है, इनमें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट मुझसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये चार्ट्स है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऑब्जेक्ट है, ये आगे ग्राफ का अगर जाके मैं आपको करवाऊँगा या अगर करने में अगर समझा दूँगा आपको, उसमें आपकी इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं कुछ डेफिनेशन है, एक दो जो आने वाली हैं, ये आपको सिंपल सी चीज़ें। डिस्क्राइब दी मेजरमेंट स्केल्स, ये डेफिनेशन थोड़ी देखने वाली है। डिस्क्राइब दी मेजरमेंट स्केल्स जो हैं, स्केल कौन कौन से हैं, क्लासिफाई ईच नॉमिनल लेवल, नॉमिनल लेवल है, ऑर्डिनल लेवल है, इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल है, रेशियो लेवल मेजरमेंट। अब इनके अंदर ये चीज़ें सारी की सारी डिफाइन की हुई हैं, बेटा ये आपने खुद पढ़नी है, वेट है ऑफ कार्स, रैंकिंग्स ऑफ स्क्वैश प्लेयर, टेम्परेचर ऑफ सिटी, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपने इनके अंदर बताना है कि कौन से नॉमिनल स्केल हैं, कौन से ऑर्डिनल स्केल है, सारा का सारा इनको अलग अलग कर देना है। उसके बाद इनकी डेफिनेशन जो है नॉमिनल स्केल की, ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग स्केल की, इंटरवल स्केल की और रेशियो में रेशियो स्केल की, ये चार डेफिनेशन अगर आप ये पढ़ लेंगे आपको इन मजीद आपको समझ आ जाएगी कि मेजरमेंट स्केल इन विच ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स एज ब्रिलियंट, शाइनिंग, गुड एंड डल एटसेट्रा, ये एग्जांपल थी। इसी तरह ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल के सेंगर टाइप ऑफ द मेजरमेंट स्केल इन विच ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड into mutually exclusive classes by assigning ordinary value considering their qualitative characteristics. For example, assigning number 1, 2, 3 and 4 brilliant, shining, good and dull. अगर हम क्या करें जो हमने ranking की है numbering कर देंगे, जो पहले number पर topper student होगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इस तरह क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी ranking हो जाएगी। उसके बाद interval scale है, ratio scale है, ये आपने खुद पढ़ने हैं, पढ़ के यहाँ से इसकी डेफिनेशन वगैरह समझ लेनी है। बेटा क्वेश्चन होगा तो इसके बारे में आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अच्छा क्लियर कर दूंगा। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंटेंट हुआ।